इस साल 2024 जनवरी पे कई सारी फिल्में हुआ है रिलीज, जहां पर महेश बाबू का गुंडू करम से शुरू करके ब्रिगेड ऋतिक का फाइटर भी शामिल है। दोस्तों, जनवरी का कौन सी फिल्म रहा हिट, कौन सी रहा फ्लॉप, चलिए जानते हैं एक इंट्रो के बाद। नंबर वन, कैप्टन मिलर, जहाँ पर ये रहा एपिक एक्शन एडवेंचर फिल्म, जहाँ पर धनुष राजा ने फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी सोल्जर का रोल प्ले किया है। साथ में रहा सेंचुरी स्टार शिवराज कुमार और प्रियंका अरुल मोहन। फिल्म को मिला है ज्यादातर पॉजिटिव रेस्पॉन्स। बात कर कलेक्शन की, बजट था 35 करोड़, ये फिल्म इंडिया नेट पे दिया है 50 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 100 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा सुपर हिट। नंबर टू, हनुमान, ये रहा तेलुगु का सुपर हीरो फिल्म, जहाँ पर तेजा सज्जा ने टेरिफिक परफॉर्मेंस दिया है और इसमें फिक्शनल गांव अंजनाद्री से जुड़कर स्टोरी को दिखी है। फिल्म को मिला है ह्यूज रिस्पॉन्स, जहाँ पर डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, परफॉर्मेंस और वीएफएक्स को मिला है पॉजिटिव रिव्यू, जिसका बजट था सिर्फ 20 करोड़। ये फिल्म इंडिया नेट पे दिया है 185 करोड़ और वर्ल्ड वाइड पे दिया है 275 करोड़ का मैसिव कलेक्शन और ये रहा बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। नंबर थ्री, फाइटर, जहाँ पर ये रहा एक्शन फिल्म, जहाँ पर ग्रीक गॉड ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर लीड रोल में नजर आई है और ऋतिक ने एक्शन पैक्ड और स्टाइलिश एक्टर प्ले किया है। जहाँ पर फिल्म का स्टोरी रूटीन स्टोरी था, पर इसका एक्शन रहा टॉप नॉच। फिल्म को मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बजट था 250 करोड़, ये फिल्म इंडिया नेट पे दिया है 165 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 280 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा एवरेज। नंबर फोर, गुंटूर करम, लिस्ट पे आ जाते हैं प्रिंस महेश बाबू का फिल्म, जहाँ पर फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिला है। बात करूँ महेश बाबू का परफॉर्मेंस को, तो उसको मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पर दूसरी तरफ डायरेक्टर त्रिविक राम का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और प्लॉट को मिला है मिक्स्ड रिव्यू। बजट था 200 करोड़, ये फिल्म दिया है इंडिया नेट पे 130 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 180 करोड़ की कलेक्शन, यानी कि ये फिल्म एवरेज जोन पे है। नंबर फाइव, आयरलैंड, ये तमिल का है साइफाई फिल्म, जहाँ पर शिवा कार्तिकेयन और राकुल प्रीत लीड रोल में नजर आई है। इसमें तामिज और उनका एलियन फ्रेंड टैटू के बीच में स्टोरी को दिखी है। फिल्म को मिला है ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू। बजट था 30 करोड़, ये फिल्म दिया है इंडिया नेट पे 50 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 80 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा हिट। नंबर सिक्स, मेरी क्रिसमस, ये रहा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर कैटरीना कैफ और मार्को सिल्वान विजय सेतुपति लीड रोल प्ले किया है। फिल्म को मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जहाँ पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी और राइटिंग था हाई लेवल का। जहाँ पर बजट था 15 करोड़, ये फिल्म इंडिया नेट पे दिया है 20 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 25 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा एवरेज। नंबर सेवन, साइंधाब, ये रहा तेलुगु का एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर वेंकटेश ने लीड रोल प्ले किया है, पर फिल्म को मिला है ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यू। बजट था 35 करोड़, ये फिल्म दिया है 20 करोड़ की कलेक्शन, ऐसे करके ये रहा फ्लॉप। नंबर एट, अब्राहम ओजलर, ये रहा मलयालम का साइकोलॉजिकल मेडिकल थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर जयराम ने प्ले किया है लीड रोल। जहाँ पर एक वेटरन कॉप ओजलर और साथ में एक इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ा का स्टोरी को दिखी है। बजट था 10 करोड़, ये फिल्म दिया है लगभग 35 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपर हिट। नंबर नाइन, मिशन चैप्टर वन, ये रहा तमिल का एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर अरुण विजय एमिज एक्शन लीड रोल प्ले किए है। पर फिल्म का स्टोरी लाइन उतना खास नहीं था, इसी वजह से फिल्म को ज्यादातर मिला है मिक्स्ड रिव्यू। बजट था 15 करोड़, ये फिल्म दिया है सिर्फ 10 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा फ्लॉप। नंबर टेन, हुब्बा, ये रहा बंगाली बायोग्राफिकल फिल्म, जहाँ पर मुशर्रफ करीम लीड रोल प्ले किया है। फिल्म पे एक नोटोरियस गैंगस्टर हुब्बा शैमल का स्टोरी को दिखी है। फिल्म को मिला है ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, स्पेशली फिल्म का बीजीएम, गाना और रॉ एक्शन की वजह से। बजट था 1 करोड़ 50 लाख, ये दिया है लगभग 4 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपर हिट। नंबर 11, नासामी रंगा, ये रहा तेलुगु का प्योर एक्शन फिल्म, जहाँ पर किंग नागार्जुना लीड रोल प्ले किया है। फिल्म को मिला है मिक्स्ड रिव्यू। बजट था 30 करोड़, ये फिल्म दिया है 40 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा एवरेज।
नंबर 12 मलाई कुत्ते वेलिवान। आ जाते हैं कॉम्प्लीट एक्टर मोहनलाल का फैंटेसी एक्शन फिल्म। फिल्म का स्टोरी एक वॉरियर मलाई कुत्ते पर बेस्ड है, पर फिल्म का स्लो पेस की वजह से फिल्म को मिला है ज्यादातर मिक्स्ड रिव्यू। बजट था 60 करोड़, यह फिल्म इंटरनेट पे दिया है 20 करोड़, वॉलराइट पे दिया है 35 करोड़ की कलेक्शन। ऐसा करके ये रहा डिजास्टर। नंबर 13 श्री शपन कुमार बादामी हाइनर कबले। ये रहा सेट्रिकल एक्शन फिल्म जहाँ पर अभी चटर्जी परम बंदोपाध्याय लीड रोल प्ले किया है। फिल्म को मिला है ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ये रहा हिट। तो सो ये रहा जनवरी 2024 पर रिलीज हुआ फिल्मों का फाइनल कलेक्शन के बारे में। इस लिस्ट पर कौन सी फिल्म आपका पसंद वाला रहा कमेंट पे बताइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। और इससे की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मालिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।